लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ERCP के मुद्दे को लेकर समझौते से बड़ा संदेश दिया है। कई सालों तक अटके इस मुद्दे पर अब BJP लोकसभा चुनाव में जनता के सामने डबल इंजन सरकार की तर्ज पर समर्थन बटोरने की कोशिश में रहेगी। नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पिछले 20 साल से पानी के बंटवारे का विवाद सुलझा लिया गया है। रविवार 28 जनवरी को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे को लेकर समझौता हो गया है। दोनों राज्यों के बीच MOU साइन हुआ है, जिसके बाद विवाद थम गया है। दरअसल ERCP का प्रोजेक्ट वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बना था, जिसके तहत राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई की समस्या को हल करना था। प्रोजेक्ट पर समय से कार्य शुरू नहीं हुआ तो कांग्रेस ने इसे चुनाव मुद्दा बना दिया। पिछले 5 साल तक कांग्रेस ने ERCP के मुद्दे को लेकर BJP शासित केंद्र सरकार को जमकर घेरा। पूर्व CM अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट और PCC चीफ डोटासरा लगभग हर मंच पर ERCP को लेकर BJP को कोसते रहे, लेकिन अब इसी मुद्दे को लोकसभा चुनाव में BJP भुनाएगी। BJP शासित मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच ERCP को लेकर समझौता हो गया है। अब इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम होगा तो दोनों राज्यों के 26 जिलों की तकदीर बदल जाएगी। वहीं ERCP मुद्दे पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच हुए MOU के बाद कांग्रेस में सन्नाटा है। जिस मुद्दे को पिछले 5 साल से कांग्रेस भुना रही थी, वह मुद्दा एक ही झटके में खत्म हो गया है। BJP चुनाव से पहले कांग्रेस ने ERCP को लेकर केंद्र सरकार और BJP को आड़े हाथों लिया था। इसके बावजूद भी कांग्रेस राजस्थान की सत्ता पर कायम नहीं रह सकी। अब लोकसभा चुनावों में भी ERCP मुद्दों को भुनाना था, लेकिन BJP शासित दोनों राज्यों ने मिलकर इस मुद्दे पर MOU कर लिया है। रविवार को शाम राजस्थान को मध्य प्रदेश और इस बीच जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ। समझौते के 12 घंटे बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिक्रिया तक नहीं आई है। ये आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार दोनों के तालमेल के साथ हमारी संशोधित पार्वती काली सिंध और चंबल ये PKC लिंक परियोजना जो एकीकृत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ ये लिंक रहेगी, इसके माध्यम से ये मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए दोनों के लिए वरदान साबित होगी। खास करके हमारे जो ज़िले हैं इसमें जो पार्वती काली सिंध चंबल नदी के किनारे के से लेकर के इसके अलावा भी दूर तक अंदर मालवा के उज्जैन देवास यहाँ तक कि इंदौर और गुना श्योपुर मुरैना भिंड ग्वालियर राजगढ़ आगर कुछ हद तक हमारा अपना मंदसौर नीमच का बेल्ट शिवपुरी ये पूरे बेल्ट लगभग 13 जिलों के अंदर इसमें 3,37,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। और ख़ास बात ये है कि अभी हम केवल नर्मदा नदी पे निर्भर थे और नर्मदा की वैली से पानी ले जा कर के देना डिस्ट्रीब्यूशन कराना लंबे समय तक मेंटेन कर खर्चे में भी ज़्यादा था और प्रैक्टिकली रूप से कई कठिनाइयाँ भी थी। और ये हमारे सूखे इलाके हैं जहाँ न केवल हमारी कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि यहाँ से हमारी औद्योगिक सेक्टर भी बहुत अच्छे बनेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। परियोजना सार्थक होती है तो आगे जाकर के इसमें टूरिज्म का और अन्य अन्य प्रकार की गतिविधि भी बहुत अच्छी से होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो किसानों की आय डबल करने का जो उनका आग्रह रहता है तो एक तरह से पानी की उपलब्धता पे ही खेती की उपलब्धता होती है और खेती में आय तभी बनती जब किसान 2-3 फसल कर सके, तो इससे बिजली उत्पादन भी होगा पानी के साथ उपलब्धता रहेगी तो वाटर लेवल भी जो नीचे बैठ रहा है ये पूरा ड्राई एरिया हो रहा है ये दोनों इसमें सुधरते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि चंबल कछार और ख़ास करके इसमें जो बनने वाले हमारे योजनाओं के कुंभराज कॉम्प्लेक्स CMRS कॉम्प्लेक्स लखुंदर बैराज रणजीत सागर परियोजना तथा ऊपरी चंबल कछार के सातों सिंचाई परियोजना अर्थात 7 डैम हमारे यहां बनने वाले रहेंगे।
जिससे विभिन्न प्रकार के लोगों को लाभ मिलेगा। अनुमानता परियोजना से इंदौर जिले को लगभग 12,000 हेक्टेयर, उज्जैन जिले के 65,000 हेक्टेयर, धार जिले को 1,000 हेक्टेयर, आगर मालवा में 4,000, शाजापुर में 46,000, चंबल के शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना, राजगढ़ इत्यादि लगभग 2,00,000 हेक्टेयर में ये इस बेल्ट में लाभ मिलेगा। इंदौर, उज्जैन, धार, आगर मालवा, शाजापुर जिलों में 150 मिलियन घन मीटर तथा चंबल क्षेत्र में शिवपुर, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना, राजगढ़ इत्यादि में 20 मिलियन घन मीटर जल पेयजल हेतु सुरक्षित, अर्थात इससे पीने के पानी की भी हमारी जितनी भी घर घर नल जल योजना है उसके लिए भी संचालित किया जाएगा। इस प्रकार से 13 जिलों के लगभग 50,00,000 किसान परिवारों को सिंचाई हेतु जल मिलेगा, इन जिलों की आबादी को पेयजल मिलेगा। और मोटे तौर पर इसमें केंद्र पोषित ये योजना है, लगभग अब आज की स्थिति में 35,000 करोड़ के आधार पर हमको ये अपने स्टेट के लिए और 37,000 करोड़ के आसपास राजस्थान के लिए, और इसमें से केवल 10% हमको स्टेट से लगाना है, बाकी 90% केंद्र इसके लिए राशि देने वाला है। तो एक तरह से ये पूरी मालवा के लिए और चंबल के लिए वरदान साबित होगी। आज का दिन तो दिवाली की तरह मनना चाहिए, जो हमारे धार्मिक पर्यटन, पर्यटन और सभी प्रकार के क्षेत्रों में इसका लाभ मिलेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।